अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप साहब? मैं ठीक शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक ठाक रहें, खुश रहें ते आबाद रहें। दुआवां विच केड़ी है, दुआ जिहड़ी मर्जी दे दो, दुआ लगनी चाहिए। तो खैर, यहाँ पे ना मैंने आलू सुबह सुबह उठते ही बॉयल कर लिए थे, क्योंकि मैं जब सुबह उठी हूँ ना, मेरे बेटे का व्हाट्सअप आया था, अपन दादा लगा ले कैसे एक घर में रह के व्हाट्सअप करी दे। नहीं, मैं सो गई थी ना, तो वो उठे हुए थे तो उन्होंने मुझे उठाया नहीं, मुझे व्हाट्सअप कर दिया था, कह रहे थे मामा सुबह आलू वाले पराठे बना देना, क्योंकि उसने पढ़ने जाना है और साथ भी लेके जाना है, वो भी छोटा सा बच्चा है साढ़े घर का ना। तो अभी मैंने आलू को मसाला मसाला लगा के, हरी मिर्चें जो है ना मैंने छुरी के साथ नहीं काटी, मैंने क्रश कर ली है, साथ मैंने सूखी मेथी डाली है, लाल मिर्च डालूंगी, नमक जाएगा और क्या जाएगा, लेमन जाएगा, और थोड़ी सी मैंने ना वो कलवंजी भी डाली थी, और मैंने क्रश जो मिर्चें ना कुटी हुई वो भी मैंने डाल दी थी साथ, थोड़ा सा मैंने जो क्या कहते हैं आप, हाय हाय, सूखा धनिया और वो जो जीरा ना उसका पाउडर मैंने ऐड कर लिया, और अब इसके अंदर जाएगा लेमन का थोड़ा जूस, ताकि खट्टे खट्टे आलू का जो ना कटलेट्स बनाने हो, जो भी बनाने, मैंने तो खैर पराठे बनाने हैं, अभी फ्रेश धनिया काट के मैंने रखा है वो मैंने डाला है, और इसको मैं अच्छी तरह हाथ के साथ मसल मुसल के तो उसको मैं फ्रिज में रख दूँगी, ताकि थोड़ा ना इसकी जो जुड़ जुड़ जाए ना, जुड़ मुड़ जाए, इतफाक आ जाए। तो अभी दे अभी आगे जाके मैं को टाइम दिखाती हूँ कि मेरा बैठे बैठे दिल करता है कि मैं बाहर चक्कर लगा के आऊँ। बैठे बैठे मतलब ये कि मेरे मियाँ सुबह उठते ही चले गए हैं मुशायरे पे, तुहानू पता उन्होंने किन्ना शौक है। 12:32 हो गए ने, तो मैं वेखो वाक कर निकलनी हाँ दोपहर के टाइम ना, सुबह ना शाम, दोपहर मौसम बड़ा अच्छा है, मज़ेदार वाला। मैंने कहा एक चक्कर सुबह हूँ लाइए, एक शाम लाइए, वापस अपने रूटीन पर आइए। तो कां बड़े बोलन दे, पता नहीं किन्नी आना है, पाकिस्तान के अंदर ना कां बोलन दे, परौने आने ने, परौने मतलब कि मेहमान आने ने, तो इतने बेचारे घर बना के बैठे ने तां बोलन दे। धुप फील हुंदी है कि धुप निकली, पर मज़ेदार धुप है, गर्मी वाली नहीं। वो वेखो जाल जान दिया है साढ़े वर्गे ना, असी फट फट जहाज वाला है, मोबाइल लैके जाइदा, वेखो जहाज जान दिया है। अगर कैमरा ना होए तो असं वैसे भी जरूर वेखना होंदा है, इंज हो नहीं सकता कि जहाज लंघे तो असं वेखिए ना। ये साड़ी आदत है निक्किया हुंदिया दी, जहाज वेखना। चलो मैं ना आलू वाले मसाला बना के आई हाँ, मैं किसे आलू वाले पराठे बनावांगी, तो अज बनावांगी पिज़्ज़ा, क्योंकि संडे इसलिए मैं ऐसे मैंने दो अज हूँ भी वाक कर आवं, तो शाम को एक जोड़ा खाना है ना, और नाल नाल असी रिड्यूस करते जाइए। फिर ना बंदा खाने लगे हाथ नहीं रोकता कि हाए भी खा लिया भी खा लिया, अज पराठे भी अच्छे वाले बनने सन ते नाल पिज़्ज़ा बनना है। तो मैं हूँ वाक कर निकली, शाम को फिर जावांगी खाना शाना खा के, तो मसाला वगैरह बना आई हाँ आलूआं का, क्योंकि नुसाह चढ़न लग पे, क्योंकि साढ़े ना जिते असी रहनी उत्थे बड़ी चढ़ाई थोड़ी थोड़ी फील आती है। तो चलो नाल ना गलबात करांगे अगे जाके, इत्थे मैं तुहानू की विखाई जावां। आधा रस्ता गुजर गया है, हूँ ना कि ना थोड़ी जी गर्मी फील हो रही, मैं आपको दिखा रही हूँ मैं कवाली सुनती जा रही हूँ, मुझे नुसरत फ़तेह अली खान इतनी पसंद है ना, बस कवाली या ऐसी चीज़ें लगाओ ना, वाक पे जाना फिर मैं ऐसी चीज़ें लगाती हूँ थोड़ा स्लो करके। तो आप कहते होंगे दो मोबाइल चुके ने, दो मोबाइल दो हैंड इसलिए उठाए कि एक भी इंटरनेट नहीं है और एक भी इंटरनेट है, तो मैं साथ साथ फ़ोन भी करती हूँ, म्यूज़िक भी थोड़ा सा सुन लेती हूँ। वैसे मैं अपनी गैलरी में कोई म्यूज़िक नहीं अंदर फीड किया, मैं ऐसे यूट्यूब पर लाइव लगा के तो मैं सुन लेती हूँ, मेरे से ना मेरी गैलरी फुल हो जाती है, वो मोबाइल की तो मुझे बड़ी ज़रूरत होती है, तो इसलिए मैं दो मोबाइल उठाए। मैंने खैर साथ बैग भी लिया था, मैंने कहा मेरे से दो हाथ पे पकड़े नहीं जाने। आज मैं मांटल भी नहीं पहन के आई थी, क्योंकि मौसम थोड़ा इतना गर्म नहीं, इतना सर्द नहीं था, थोड़ा थोड़ा कम था, तो मैंने जर्सी पहन के आ गई, मैंने कहा चलो साथ बैग ले जाती हूँ। तो अभी ना आफिया की मैंने बोला था ना, उसकी बर्थडे थी, तो दोनों दोस्तें जा रही हैं पजामा पार्टी पे, तो ये जो मैं लेके आया था ना सी एंड से, ये मैं लेके आया था, उसको मैं कह रही थी दिखाओ मुझे पीछे होके, तो वहाँ थोड़ा पीछे होके वहाँ बेचारी, तब इसके गिफ्ट वगैरह जो भी इसने लिए हैं गिशिंग को उठा के लेके जा रही है, छोटी छोटी चीज़ें लेके आई थी अपने भाई के साथ ही, काफ़ी पैसे लगाए थे फिर भी, तो खैर दोनों निकल आएंगे, ये भी इसकी दोस्त है, और ये जो साथ गांधे ने उस पर ना जाना, इसको हमने फेंकना है मूल में, तो बस सुस्ती हुई जा रही है, चीज़ा पहियाँ जाते हैं साइड पे सारे निकाल के रख दिए। मैंने कहा जब बच्चे फारग होंगे ना, तो इनको एक एक चीज़ भी उठा के फेंक आएंगे,
तो खैर अभी पिज़्ज़े की तैयारी कर रही थी, मैंने तुम्हें कहा सी ना अब बड़ा कुछ पराठे वगैरह मैं आंदे खवा देते सन, तो अब शाम की तैयारी हो रही, मैंने कहा पहले चीज़ें काट वगैरह काट कूट के रख लेती हूँ, तो ये मेरे मियाँ के काम देखे, ये मैंने छुरी के साथ काट लेती हूँ, पता नहीं इन्होंने कितों खबर हो जाती कि मैं काम करन दी या इन्होंने अपनी मकैनकी पानी होंगी। खैर काम तो जल्दी हो जाता है लेकिन बाद में जो मुझे काम करना पड़ना मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये तो कार कुर के चले जाते हैं, ये सलामी काट रहे थे, मुझे इन्ना डर आता ना कट्टर वगैरह, तो मैं बाहर चले गई थी, मैंने ये काटते रहे, मैंने कहा हाय पीछे आते रख पीछे आते रख, मुझे इन्हें बाहर निकाले कि तू जा मैं अभी काम कर लेना। तो खैर मैंने प्याज भी रखवा दी, मैंने कहा चलो, तो ये देखे जो मेरा काम बढ़ता है ना ये वाला, बाद मशीनों को धोना साफ करना, तो मैं यही कह रही मैं छुरी के साथ काट रही, तो पता नहीं किन्नी खबर दे चढ़ी है कि मैं चीज़ें की चीज़ें काट रही हूँ। तो ये मशीन थी मेरे घर में, तो मैं यूज़ नहीं करती, मुझे बड़ा औखा लगता है मैं निकाल के लाऊं और फिर इनको काटूं फिर साफ करूं। खैर इन्होंने किया और चले के बाद में मैं अब ये देखे सारा साफ सुथरा कर करके किचन इनको बाहर निकाल के बंद करके आई हूँ। मैं क्या अब दोबारा किचन भी ना आना ना, क्योंकि काफ़ी काम ऐसे थे जो सिर्फ मैंने करने होते हैं, मेरा रस्ता रुक जाए ना फिर मुझे बड़ी उलझन होती है। तो मैं सारी फैमिली को ना बिठा के मैं क्या तुम फिल्म वगैरह लगा के देखे, मैं बस पिज़्ज़ा बना के आई कि आई, तो खैर मेरी हेल्प करने फिर आ गए थे, मुझे ज़रूरत पड़ गई थी इनकी, मैंने कहा आ जाए, मैं क्या मैं अब ट्राईपॉड पे हैंडल लगा के इधर उधर रखूं, तो आप आ जाए, अगर आपको इतनी चाह है ना किचन में आने का मेरे इस टाइम में मेरी हेल्प कर दे, बाकी और कोई काम ना करे। तो खैर पिज़्ज़े बनाने भी माशाल्लाह माशाल्लाह हर बच्चे की अलग अलग डिमांड होती है। पिज़्ज़े का जो आटा है ना वो मैंने काफ़ी दफ़ा दिखाया हुआ है कि मैं क्या डालती हूँ, मैं सिर्फ इसके अंदर नमक ऑयल और मैदा और साथ ईस्ट और कुछ नहीं डालती, दूध चीनी ये वो मैं कुछ नहीं डालती, बाकी वही घर के सब्जियां जो आपके बच्चे पसंद करते हैं वो आप बना लें, जो आपको पसंद है वो बना लें। खैर अभी मैं दो पिज़्ज़े बनाऊंगी, एक में बनाऊंगी सारी सब्जियां वगैरह डाल के और एक में बनाऊंगी हाफ बनाऊंगी फिश वाला, हाफ जो है ना वो सब्जियों वो क्या कहते हैं सलामी, सलामी वो जो कटिंग कर रहे उसको सलामी कहते हैं, वो तुर्की मार्केट से मिलते हैं। तो हजे दो ट्रे में फटाफट में पिज़्ज़े पाप सजा सजू के रख लेंगे। अच्छा पिज़्ज़ा एक ऐसी चीज़ है मैं बना लूँ ना मैनू बड़ी टेंशन खत्म हो जाती, क्योंकि अगर आप बना लेते ना फिर रात लेट ना जो बच्चे कहते ना कि क्या खाएं तो वो आपकी जान छूट जाती है, एक दफ़ा तुम बना बनू कि ना कट कुट के फोलिया ला के रख दो तो जान छुट गई, तुम आराम ना बाकी सारा दिन मज़ा लवो, क्योंकि बच्चे खुद जब भूख लगती है गर्म करते हैं खा लेते आपको नहीं कहते। नॉर्मल ये होता है कि दोपहर में तुम एक बार बच्चे खाना खवा लो ना शाम तक उन्होंने ना चूँ चूँ शुरू टुक 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 जो होती है ना वो दिमाग में आई फ्रिज खोले, मुझे समझ नहीं आती फ्रिज चीज़ा पैदा हो जानियाँ ने या उतू कोई किचन लगा है कोई शेफ है ऑटोमैटिक तो नहीं चीज़ा बना के फ्रिज रख जाएगा, बस बच्चे आदत आना है ठा करके किचन खो वो फ्रिज का दरवाजा खोल के देखना है फिर चले जाना है, एवं फ्रिज की रोज़ दिहाड़े हज़ार बारी मूव खाई फ्रिज की मूव खाई होती रहती है। तो अभी ये देखिए सारे ये पिज़्ज़ा ये मैं खाऊंगी मेरे मियाँ खाएंगे, हाँ हम दोनों के कह लें, खैर ये वाला सारे खा लेते लेकिन जो सारा उन्होंने मर्जी का पिज़्ज़ा ख़त्म हो जाता है ना फिर वो इस पिज़्ज़े को हाथ लगाते जो हम बनाते हैं अपने लिए, ऐ इन्हों की चलाकी बड़ी सब जब ताज़ा ताज़ा बने तब इनका अलग अलग बने और जब पिज़्ज़ा इनका मर्जी वाला ख़त्म हो जाए फिर साढ़े पिज़्ज़े हाथ, ये देखे मैं लाइन वा दीती मैं क्या आधा बनावाएंगी फिश वाला और आधा बनाऊंगी आफिया का मिशाल का, ये आफिया मिशाल का बन रहा है और जो फिश वाला ये अफान साहब का बन रहा है। तो लुकमान साहब ने अपना पिज़्ज़ा खुद बनाना है फुल पिल्स डाल के, मशरूम जो होते हैं ना वो फुल डाल के बनाते हैं, तो वो देखे फुल काटा और एक पैकेट पूरा साबुत पड़ा जो उसने काट के डालना है, तो वो उसका पिज़्ज़ा वो अपने मर्ज़ी का आप बनाएंगे, मैं अपने पिज़्ज़े दो बना के साइड पर हो जाएंगी। मुझे यही था कि ये भी बनाए साथ खिलारा खिलौड़ा साफ़ सुथरा करके ना फिर पिज़्ज़े का खाने का तो अपना ही मज़ा है ना। खैर ये बात हो गई, उसने क्या किया जब पिज़्ज़े दो डन हो गए ना मुझे कह रहा है मम्मा मैं आपका पिज़्ज़ा खा लेता हूँ तो आप अपना सारा किचन साफ कर लें जो आपको मुझे पता है उलझन रहनी है तो फिर मैं शाम को अपना बना लूँगा। मैं क्या ऐ तो बड़ी गल स्वाद ही की लुकमान, तो फिर ऐसे किया दो पिज़्ज़े बना के मैंने साइड पर कर लिया और किचन वगैरह साफ़ सुथरा करके फिर मैं दोबारा हम खाना खाने गए ना, मैंने कहा शाम को अपना पिज़्ज़ा बना लेगा क्योंकि ये वो हमारे वाला भी खा रहे थे लेकिन एक होता है ना बच्चे को अपनी मर्ज़ी का बनाना। तो खैर मैंने कहा चलो ये भी क्योंकि ओवन की है ट्रे दो थी, तो कल अफान की जो चोट के बारे में बात कर रहे थे सबका बहुत शुक्रिया माशाल्लाह अब ठीक है काफ़ी, लेकिन फिर भी मैंने कल मंडे है डॉक्टर के पास जाऊंगी दिखा के आऊंगी, पता नहीं कैंज फुटबॉल उन्हें मारा भी उसके बेचारे का ना सूज ही गई है बाजू भी और हाथ भी ना, तो अब खैर उस दिन बाजी की तरफ गए थे बाजी ने इसको ना बाम भी लगाई थी और इसको लपेटा लपूटी की थी, तो काफ़ी बेहतर है माशाल्लाह बेहतर है काफ़ी। कल फिर भी मैंने एहतियातन इसको डॉक्टर के पास लेके जाऊंगी ताकि एक बार चेक हो जाए ना हो थोड़े दिन बाद फिर उनको मसला निकल आए
ਤੇ ਐ ਵੇ ਕੇ ਧਿਆਨ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਖਾਸ ਤੌਰ ਫਾਨ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਹੀ ਵੇਖਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਠੀਕ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਰਗੜ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਲੜਕਾ ਹੈ ਨਾ, ਬਸ ਬਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਆਫੀਆ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਈਪਰ ਟਾਈਪ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚਲੇ ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕਾਫੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਸਭ ਕਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਲੁਕਮਾਨ ਕੀ ਅਫਾਨ ਕੀ ਤਬੀਅਤ ਪੁੱਛਣੇ ਕਾ ਔਰ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇਣੇ ਕਾ, ਸਭ ਕਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਦਿਲ ਸੇ। ਚਲੇ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਪਸ ਆਊਂਗੀ। ਦੋਵੇਂ ਯਾਦ ਰੱਖੇ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।